डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। हर हर महादेव, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज द नंबर वन इन एस्ट्रोलॉजी। आप कन्या राशि के हैं या आपका कोई अपना कन्या राशि का है तभी आपने ये वीडियो क्लिक किया है, तो मैं आपका वेलकम कर रही हूँ। बताऊंगी सारी इन्फॉर्मेशन, दिसंबर आपका कैसा बीतने वाला है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, हर कुछ। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि गोचर कौन कौन से ग्रह कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उतार चढ़ाव, ऊंच नीच सब चीज़ें, और इस महीने कौन कौन से व्रत और त्यौहार आप मना पाएंगे। तो चलिए लिस्ट मिल गई, अब आपको बताती हूँ कि आप इस वीडियो में देखेंगे क्या। अगर मैं कहूँ कि इस वीडियो में मैं कन्या राशि की लड़कियों के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊँगी तो मेरे सारे मेल वर्गो वॉचर्स वीडियो स्विच कर जाएंगे। लेकिन स्विच करने के पहले बस इतना सोच लीजिएगा कि कहीं आपकी पत्नी, बेटी, बहन, भतीजी, भांजी, बुआ, मासी, बॉस, क्लीग, सबऑर्डिनेट, फ्रेंड या गर्लफ्रेंड इस राशि यानी वर्गो की हुई तो ऐसे में सोचिए ज़रा कि कितनी आसानियाँ हो जाएंगी उन्हें समझने और समझाने में। सोचा है कभी? यूँ भी लड़कियों को, महिलाओं को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, ये आप समझते होंगे अगर आप महिला नहीं हैं, पुरुष हैं तो मैं आपको बता रही हूँ ट्रिक जिससे आप समझ पाएंगे अपने लाइफ से जुड़े वर्गोज़ के बारे में, वर्गो फीमेल्स के बारे में। यकीन मानिए इसमें आपका फायदा है। तो चलिए सुनिए कि कैसी होती है लड़कियाँ। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, 2 से 2.5 मिनट लगेंगे ये बताने में, क्योंकि मैं बताऊँगी सिर्फ 5 पॉइंट्स। जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करती हैं कन्या राशि की महिलाएं, बड़े शांत स्वभाव की होती है यूं तो, और अपने साथी के साथ जो भी इनका व्यवहार होता है पेशेंस भरा होता है। अगर इन्हें कोई शक भी होता है तो वो बिना झिझक के सवाल कर लेती हैं, अंदर कुढ़ने के या परेशानियां खड़ी करने के सीधे सवाल कर लेती हैं। ये आसानी से किसी की बातों पर भरोसा नहीं करती, मतलब कोई बाहरी इनको बहला फुसला नहीं सकता। अपनी हर बात को मनवाना ये जानती हैं, इनके पास आसान तरीके होते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये इतनी स्ट्रांग होती हैं कि अपने फैसले खुद लेती हैं, बहुत सोच समझ कर लेती हैं ये फैसले, इसलिए आमतौर पर इनके फैसले गलत नहीं होते, दिल और दिमाग दोनों से काम लेती हैं। और जहाँ पर इमोशनली फैसले लेने हैं वहाँ पर इमोशनल लेती हैं, जहाँ पर रोमांटिकली लेने हैं वहाँ पर रोमांटिकली लेती हैं, और जहाँ पर प्रैक्टिकल फैसले लेने होते हैं उसमें भी ये पीछे नहीं हटती, प्रैक्टिकल फैसले ले लेती हैं, बैलेंस अच्छा रखती हैं दिल और दिमाग के बीच में। तीसरा गुण है इनका कि ये आदर्शों पर चलने वाली होती हैं। कन्या राशि के बहुत सारी महिलाओं को देखेंगे कि वो आदर्शवादी होती हैं और आपको भी आदर्श की जानकारी देती हैं। प्यार में भरोसा है इनका, जीवन में सब कुछ हारने को फिर भी ये तैयार रहती हैं, और अपने सभी रिश्ते के प्रति ये कुछ ऐसा ही रखती हैं अपनी तरफ से अप्रोच, पूरे मन से निभाती हैं। कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, पिता पुत्री का रिश्ता हो, तमाम रिश्ते ये पूरे दिल से निभाती हैं, कोई मिलावट नहीं होती रिश्तेदारी में इनके। अगली बात जो मैं आपको बता रही हूँ वो है कि इन्हें जल्दबाजी पसंद नहीं है किसी भी मामले में। इन्हें सोच समझ कर परिपक्व फैसले लेना या परिपक्व काम करना कुछ उस तरीके के नेचर की होती हैं। किसी भी रिश्ते में खटास इनको पसंद नहीं होता है, और अगर किसी रिलेशन में कुछ उतार चढ़ाव है भी या कुछ ऐसी सी चीज़ है जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं तो बेहतर समझती हैं कि ये रिश्ते को ख़त्म ही कर दिया जाए, बशर्ते कि उसमें पिसते रहने के। प्यार में भी ये धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, सोच समझ कर, देख परख कर, ठोक बजा कर, जल्दबाजी करना इसे इन मामलों में भी पसंद नहीं होता। और इश्क में ईमानदार होती हैं कन्या राशि की महिलाएं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी लाइफ पार्टनर यानी कि वाइफ अगर इस राशि की हैं तो यकीन मानिए आपसे ज़्यादा लकी कोई नहीं है, क्योंकि ये महिलाएं प्यार के मामले में बहुत ईमानदार होती हैं। वफादारी की उम्मीद आप इन्हीं से कर सकते हैं। जब प्यार करेंगी तो सच्चा करेंगी, नहीं तो करेंगी ही नहीं, क्योंकि ये वक्त लेती हैं प्यार करने में, और जब कर लिया तो मरते दम तक निभाती हैं। तो ये
नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स आप जान चुके हैं कन्या राशि की, स्त्रियों के बारे में, महिलाओं के बारे में। अब मैं बताती हूँ दिसंबर महीने का राशिफल आपको, जो आप सबके लिए है। आप कन्या हैं, पुरुष हैं, आप सबके लिए ये राशिफल है और चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी कुंडली में जिस भी राशि में चंद्रमा बैठा है वो है आपकी चंद्र राशि। अगर नहीं पता कुंडली है तो ठीक है, नहीं है तो आप एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर में मिलेगी आपको। उसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ फीड कीजिएगा, अपना नाम डालिएगा, जेंडर डालिएगा और आपको कुंडली खुल के मिल जाएगी। पहले जो कुंडली आएगी वो लग्न कुंडली होगी, उसके बाद नवमांश कुंडली है और उसके बाद फिर चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली में जाइएगा, जो पहला घर है लग्न भाव का घर होगा वहाँ पर जो नंबर लिखा है वो आपकी राशि होगी, जो बैठा है वो नहीं, जहाँ पर जो नंबर लिखे वो आपकी राशि होगी। इस तरीके से आप अपना चंद्र राशि मालूम कर सकते हैं। तो चलिए दिसंबर महीना कैसे बीतेगा आपके लिए। आप होते हैं सोचने और समझने की प्रबल क्षमता वाले, तो आपकी स्मरण शक्ति भी इस लिहाज से बहुत तीव्र होती है, तेज होती है, आप मन के मालिक होते हैं। ऐसे में इस महीने में जो आप काम वाम करिएगा उसमें आपको सफलता मिलेगी, अच्छी सफलता मिलेगी। हालांकि बीच बीच में काम व्यवसाय में उतार चढ़ाव की स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो तो लगी रहती है। आप काम कीजिएगा तो उतार चढ़ाव तो होगा ही, और वजह इसकी क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए राहु जो है वो मिथुन राशि में है, हालांकि मिथुन राशि में राहु कई मतों के अनुसार उच्च का माना जाता है, तो इस लिहाज से राहु फल तो अच्छे ही दे रहा है, देगा भी अच्छे, लेकिन क्या है कि गोचर के दौरान कई ग्रहों की युति होती है, कई ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तो कुछ बहुत ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि उतार चढ़ाव होता है। राहु आकस्मिकता के लिए जाना जाता है, तो आकस्मिक चीज़ें होंगी आपके जीवन में, तो वो पॉजिटिव भी होंगी, नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव कम ही होंगी चूंकि राहु मिथुन राशि में है। तो क्या है कि जब पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं अचानक से, जस्ट धन प्राप्ति हो गई अचानक से, तो ये रोज़ रोज़ नहीं होगा, लेकिन एक दफ़े हो गई तो आपकी उम्मीद बंध जाती है कि अरे ऐसा हुआ था तो अभी होना चाहिए, वजह यही होती है, निराशा में यहीं पर होते हैं। खैर, तो राहु संचार करा मिथुन राशि में, तो इस लिहाज से लाभ प्राप्ति के दिशा से देखेगा तो ये आपके लिए अच्छा वक्त है, जो मैं बता ही रही हूँ कि यदि किसी तरीके का कोई तनाव हो या किसी तरीके का कोई मुकदमा कोर्ट वगैरह में चल रहा हो तो वो भी इस दौरान सुलझ जाएगा। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपके लिए ये फेज है जो अभी टाइम चल रहा है, इस दौरान में आपके लिए पॉलिटिकल फ्रंट पर आप प्रोग्रेस करेंगे, ग्रो करेंगे। वजह क्या है ये भी जान लीजिए, गुरु जो है वो शनि के साथ, मतलब शनि पहले से ही विराजित है, गुरु अभी 5 तारीख को उसका गोचर हुआ नवंबर में, तो गुरु और शनि ये दोनों धनु राशि में बैठे हुए हैं, केतु भी पहले से ही बैठ रखा है वहाँ पर, तो ये गुरु और शनि होने की वजह से आपको पॉलिटिकल करियर में थोड़ी ग्रोथ मिलेगी। इस महीने के 6 दिन जान लीजिए जब आपको कुछ नए काम नहीं करने हैं, ये तारीखें हैं 8, 9, 17, 18, 28 और 29। इस दिन आपको नई चीज़ शुरू नहीं करनी है, कोई महत्वपूर्ण फैसले नहीं लेने हैं। फैमिली लाइफ कैसी बीतने वाली है आपकी इस महीने, तो बताऊं कि माता पिता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको उनका ख्याल रखना है, उनकी सेवा करनी है। भाई बंधु इष्ट मित्रों का भी सहयोग आपको इस महीने मिल जाएगा। आप चाहे तो किसी क्षेत्र में काम कर रहे हों तो काम घरेलू स्तर पर भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी करेंगे तो इस दौरान आपको बेनिफिट ही मिलेगा। इस महीने में शुभ मांगलिक कार्य संपन्न होने की आपके घर में संभावना दिख रही है। हालांकि संतान पक्ष को लेकर ऐसा कुछ तनाव जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं, संतुष्टिजनक है चीज़ें। उनको आप थोड़ा वक्त दीजिए, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर थोड़ा आश्वस्त कीजिए उन्हें, उनका लेवल आंकी कि कहाँ तक पहुँचे हैं, कहीं सिर्फ सोशल मीडिया पर ही तो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, थोड़ा वक्त दीजिए उनको, गाइडलाइंस तय करिए उनके लिए, क्योंकि ये बेहतर होगा उनके करियर को शेप करने के लिए। अनावश्यक विवाद और बहस से आपको बचना है परिवार में, नहीं तो झंझट हो जाएंगे। सावधान रहिएगा थोड़ा इस मामले को लेकर, बाहरी किसी को परिवार में हस्तक्षेप करने मत दीजिएगा, अगर करते भी हैं तो अपने दोनों कान खुले रखिए, इधर से सुनिए इधर से निकालिए। प्रेम जीवन कैसा बीतेगा मैं आपको बता दूं कि आप इस दौरान अपने संबंधों को लेकर खुश रहेंगे, आपकी जो कॉम्पैटिबिलिटी है वो और बढ़ेगी, स्मूथ होगी, ट्रस्ट करिएगा, रिलेशन में ज़रूरी है ये। बाहर घूमने जब भी जाइए तो कुछ शॉपिंग ज़रूर करवाइए अपने लव मेट को, इससे रिश्ते में ताजगी आएगी। वो छोटी ही सी चीज़ क्यों ना, अरे वो क्लिप ही क्यों ना हो, वो फूल ही क्यों ना हो, लेकिन शॉपिंग ज़रूर करवाइएगा। हाँ, कुछ लोग अपनी गोचर के अनुसार तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन अपने लग्न कुंडली के हिसाब से भी देख लीजिएगा। ये वक्त ऐसा है कि आप अगर कुछ दिल की बात साझा करना चाहते हैं, कुछ ऐसी सीक्रेट जो अभी तक आपने अपने लव मेट को नहीं बताई है और वो चीज़ आपके मन में घर कर चुकी है, आप चाहते हैं बता देना, तो ये वक्त है जब आप उनको बता सकते हैं। थोड़ा ऐसा माहौल बनाइए, एक दूसरे को वक्त दीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते रहिए, और उस दौरान आप अपने दिल की बात जो छुपा रखी थी या दबा रखी थी अब तक दिल में,
वो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। अगर उन पार्टनर को लेकर कोई कंप्लेंट भी है तो आप उनको उस लहजे में परोसिए चीज़ें कि उनको पता चल जाए कि इस खामी को आप दूर करवाना चाहते हैं या चाहती हैं। वैसे लोग जो अभी तक सिंगल हैं और अपने प्यार का इजहार करने का मन बना रहे हैं तो इस महीने कर डालिए, सही वक्त है। वैलेंटाइंस डे का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, दिसंबर को ही वैलेंटाइन मंथ मना लीजिए। दाम्पत्य जीवन कैसा बीतने वाला है आपके लिए, तो स्थितियाँ अच्छी रहेंगी, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे, मेंटली भी सपोर्ट करेंगे और साइकोलॉजिकली भी सपोर्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी, बढ़िया रहेगी, आपको आपका दिमाग शांत रहता है तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं काम करने के दौरान। तो इस चीज़ की समझदारी आपको इस महीने होगी, आप अपने परिवार में अपनी अहम भूमिका पाएंगे और इसमें सबसे अहम रोल होगा आपके जीवन साथी का। फिनेंशियल फ्रंट पर आपके लिए कैसा बीतने वाला ये महीना, तो इस महीने में आर्थिक लाभ की दृष्टि से देखिएगा तो स्थितियां अनुकूल रहेंगी, एक दूसरे का सहयोग आपको मिलेगा परिवार में भी बंधुओं से भी। अगर आप नौकरी करते हैं और तरक्की चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए सही है, बुरा नहीं है। इस महीने में आपको कई तरीके से सक्सेस मिलती दिख रही है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं पार्टनर के साथ मिलकर तो कर सकते हैं, और कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्लान कर रहे हैं तो ये वक्त ठीक है, आपको बेनिफिट्स हो जाएंगे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो, लेकिन छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। रिश्तेदारों में लेन देन से आपको बचना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, और थोड़ा आप अलर्ट रहिएगा इस तरीके की लेन देन के दौरान। हेल्थ के लिहाज से कैसा बीतने वाला है आपका ये साल, तो बताऊँ कि कुछ मेंटल स्ट्रेस आपको हो सकती है इस दौरान और थोड़ी पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा, फिर भी अगर खाने की नौबत आ ही जाए तो पानी ढेर सारा पीजिए, पानी पीजिएगा तो इससे फ़ायदा होता है। और नाश्ता स्किप मत कीजिएगा, नाश्ता करने की आदत डालिए, आप नाश्ता स्किप करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत इसी वजह से होती है। उपाय अगर इस पूरे महीने में कुछ करना चाहते हैं तो आपको बताऊं कि बुधवार के दिन हरी चीज़ें दान कीजिएगा कुंडली दिखवाने के बाद, कि आपका का अगर ग्रह जो है वो दोषयुक्त है, आपकी राशि में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं उनकी डिग्री कितनी है, वो दोषयुक्त है या नहीं, वो तमाम चीज़ें देखकर ही आपको सजेशंस मिलेंगे कि आपको दान करनी है कोई चीज़ तो किस कलर की होनी चाहिए और क्या अनाज अगर है तो वो कौन सा अनाज होगा। तो गणपति की आराधना ज़रूर करिए, किसी भी हालत में ग्रह कितना भी दोषयुक्त हो या कितनी भी डिग्री का हो, गणपति की आराधना कीजिए दुर्वा के साथ। इसके अलावा अनाथ बच्चों को अगर आप स्टेशनरीज देते हैं तो आपको फायदा पहुंचने वाला है, इस महीने में आपकी स्थिति इससे बेहतर हो जाएगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक काम कीजिए, कन्या राशि के आपके जितने भी परिचित हों वो कौन हो सकते हैं, बिल्कुल सही, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके बच्चों के दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंड के बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकती है, फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हो सकती है, सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो एक्सक्लूसिव जानकारी अभी आपने सुनी है वो एक्सक्लूसिव जानकारी उन तक भी पहुंचनी चाहिए और जरिया आप बनिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिए, और कर रखा है तो और 5 लोगों को बोलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये फैमिली जितनी बड़ी होगी आप उतना ज़्यादा गर्व महसूस करेंगे, और साथ ही सरप्राइजेस तो आपको मिलते ही रहते हैं और भी सरप्राइजेस मिलेंगे, इसलिए चैनल सब्सक्रिप्शन पर थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। वीडियो वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतना बेहतर है, ज्ञान बढ़ना चाहिए, बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है, तो आप बांटिए, मैंने बना दी है वीडियो, अब आपको बांटना है, आप बांटिए। इसके अलावा अपना ख्याल रखिए और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में स्वागत है, कोई एस्ट्रो एडवाइस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखें, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, इससे आपके सवालों के जवाब सटीक मिलेंगे आपको। नए साल की तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि बस नया साल तो आने ही को है, अगली नोटिफिकेशन पर आपको फौरन लौटना है, क्योंकि मैं भी लौटने वाली हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।